हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल की इन वीडियो सीरीज में हम पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप डिक्शनरी पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिक्शनरी पे बेस्ड एक प्रोग्राम आपको बताऊंगा। हमारा आज का प्रोग्राम है अ प्रोग्राम दैट यूजेज अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स 10 और मोर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। The program should ask the user to enter their username and password. If the username is not in the dictionary, the program should indicate that the person is not a valid user of the system. If the username is in the dictionary but the user does not enter the right password, the program should say the password is invalid. If the password is correct, then the program should tell the user that they are now logged in into the system. तो हमें एक dictionary create करनी है जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड को हम कीज और वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करेंगे, और उसके बाद यूजर से हम इंटर करवाएंगे यूजर नेम। अगर वो सही यूजर नेम इंटर करता है तो उसके बाद हम इंटर करवाएंगे पासवर्ड, और दोनों अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही होते हैं तो मैसेज आएगा यू सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू द सिस्टम, और अदरवाइज अगर पासवर्ड गलत होता है तो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आएगा, और अगर स्टार्टिंग में ही अगर यूजर नेम ही गलत हो जाता है तो इनवैलिड यूजर नेम से रिलेटेड एक मैसेज आपके सामने फ्लैश होगा। इस तरह का ये एक सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हम स्टेप टू स्टेप कंप्लीट इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। उस डिक्शनरी में उस डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स होंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड के फॉर्म में होंगे। यूजर नेम रिप्रेजेंट करेंगे डिक्शनरी की कीज को, और जो पासवर्ड्स हैं वो उस कीज के करस्पॉन्डिंग उस डिक्शनरी की वैल्यूज होंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूं एक डिक्शनरी। रिकॉर्ड नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनाई। वो डिक्शनरी के जो एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट मैं इंटर कर रहा हूं इसमें एक यूजर नेम एबीसी, और इसके करस्पॉन्डिंग एक मैं पासवर्ड की एंट्री यहां पर कर देता हूं। ओके, इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट को इंटर करने के लिए सेकेंड यूजर नेम एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक पासवर्ड, इसी तरह से एक तीसरा एलिमेंट मैं इसमें इंटर कर देता हूँ यूजर नेम के फॉर्म में पी क्यू आर, इसके करस्पॉन्डिंग पासवर्ड मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर 111 डॉलर। ओके, नाउ एक और एलिमेंट इसमें इंटर कर लेते हैं यूजर नेम एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पासवर्ड है। ओके, तो इस तरह से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है जो कंटेन कर रही है यूजर नेम और पासवर्ड्स। आप इसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 4 एलिमेंट इसमें इंटर करे हैं। तो इसमें जो आपके यूजर नेम है, मैंने पहले बताया आपको कि यूजर नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी डिक्शनरी की कीज को, और जो पासवर्ड है पासवर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्शनरी की वैल्यू को। नाउ सेकंड स्टेप में मैं यूजर से इंटर करने को बोलता हूं कि वो यूजर नेम इंटर करे, और हम चेक करेंगे कि वो यूजर नेम इस डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। ओके, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं यूजर नेम इक्वल टू इनपुट मेथड से आई विल आस्क द यूजर टू एंटर द यूजर नेम। ओके, तो यूजर नेम हम इंटर करेंगे। आफ्टर एंटरिंग द यूजर नेम, नाउ इट्स टाइम टू चेक दैट यूजर नेम इज प्रेजेंट इन दैट डिक्शनरी और नॉट। ओके, फॉर दिस आई विल यूज हियर इफ स्टेटमेंट। इफ यूजर नेम इन रिकॉर्ड, ओके, ये चेक करेगा
कि वो जो आप यूजर नेम आपने इंटर करा है वो रिकॉर्ड के अंदर है, रिकॉर्ड जो है मेरे यहाँ पर डिक्शनरी है। ओके, नाउ अगर यूजर नेम उस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है तो देन आस्क द यूजर फॉर इंटरिंग द पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है। तो पासवर्ड को इंटर करने के लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, पासवर्ड इक्वल टू इनपुट एंटर द पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड मैंने इंटर करा लिया है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो पासवर्ड मैंने इनपुट किया है ये डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पासवर्ड है वो डिक्शनरी में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो यूज़र नेम है वो कीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मुझे वैल्यू को मैच करना है, ठीक है। तो डिक्शनरी के वैल्यू को मैच करने के लिए मैं की हेल्प लूँगा। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, इफ़ रिकॉर्ड यूजर नेम। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इस यूजर नेम के लिए जो मैच हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको मैच करेगा, इक्वल टू यहाँ पर ऑपरेटर यूज करेंगे, मैच करेगा जो पासवर्ड हमने इनपुट किया है। ओके, अगर ये पासवर्ड मैच हो जाता है तो यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अदरवाइज अगर जो पासवर्ड आपने इनपुट किया है वो पासवर्ड इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो उस केस में आप else यहाँ पर स्टेटमेंट लगाइए। और इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज कर लेता हूँ, invalid password। ओके, तो ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें हमने यूजर नेम इनपुट किया, यूजर नेम उस डिक्शनरी में मुझे मिल गया है, उसके बाद मैंने पासवर्ड इंटर कराया और पासवर्ड को भी मैं मैच कर रहा हूँ डिक्शनरी में। और जब वो पासवर्ड मैच हो जाएगा तो लॉगिन सक्सेसफुल आएगा, अदरवाइज इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। हो सकता है कि जब आप यूजर नेम इंटर कर रहे हों और उस टाइम पे वो यूजर नेम ही उस डिक्शनरी में मौजूद ना हो तो उस केस में जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली जो आपका आउटर इफ है, ये वाला आउटर इफ, इस आउटर इफ के एल्स कंडीशन में आएगा। यहाँ पर मैं एक एल्स कंडीशन यहाँ पर यूज करूंगा और इस एल्स कंडीशन के अंदर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट में ये हो जाएगा कि आप जो यूजर नेम इंटर कर रहे हैं वो यूजर नेम इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देगा इनवैलिड यूजर। ओके, और इसके बाद प्रोग्राम आपका यहाँ पर ओवर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोग्राम Over। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन गया है जिसमें हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, उस डिक्शनरी में एलिमेंट हमने यूजर नेम और पासवर्ड के फॉर्म में इंटर करे जिसमें यूजर नेम रिप्रेजेंट हो रहे थे कीज से और पासवर्ड रिप्रेजेंट हो रहे थे उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से। ओके, और उसके बाद हमने यूजर नेम इनपुट करा और उस यूजर नेम को चेक किया। After that, अगर यूजर नेम उस डिक्शनरी में मौजूद है तो पासवर्ड इंटर किया और पासवर्ड के उस यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड की वैल्यू है उसको हमने कंपेयर किया जो पासवर्ड हमने इनपुट किया है उससे। अगर वो मैच हो जाता है तो लॉगिन सक्सेसफुल आएगा, अदरवाइज इनवैलिड पासवर्ड आएगा। ओके, अब मैं इसे सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ, सेव कर लीजिए इसे। Now run it।
रन करते ही आपसे यूजर नेम पूछेगा। यूजर नेम मैं इनपुट कर देता हूँ ABC। ओके, तो इंटर द पासवर्ड वाले ऑप्शन पर चला गया है, इसका मतलब जो यूजर नेम हमने इनपुट किया है वो डिक्शनरी में मौजूद है। अब यहाँ पासवर्ड इंटर कर लीजिए, 123#। तो इस यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग पासवर्ड जो वैल्यू है उसको चेक करेगा, और आप देख रहे हैं कि पासवर्ड मैच हो चुका होगा और उसके बाद लिखा हुआ आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। इसका मतलब जो यूजर नेम हमने इनपुट किया था उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी पासवर्ड की वो मैच हो गई है, तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया और लास्ट स्टेटमेंट है प्रोग्राम इज ओवर। ओके, नाउ रन इट अगेन। इस केस में मैं यूजर नेम इनपुट करता हूँ रॉन्ग यूजर नेम, सपोज मैंने यही इनपुट कर दिया, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट डायरेक्टली रन हुआ है वो लास्ट स्टेटमेंट रन हुआ है। जब मैंने एक रॉन्ग यूजर नेम इनपुट किया तो आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ वो इनवैलिड यूजर वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। दैट मीन्स जो आउटर इफ था आपके प्रोग्राम का उसका else केस यहाँ पर काम करा होगा, else स्टेटमेंट यहाँ पर काम किया होगा और फाइनली प्रोग्राम इज ओवर वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा से रन करके फिर से देखते हैं। इस केस में मैं यूजर नेम तो करेक्ट इनपुट करूंगा लेकिन पासवर्ड रॉन्ग करूंगा, तो उस केस में क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। तो यूजर नेम मैंने इनपुट कर दिया XYZ। ओके, तो इस ऑप्शन पर पहुंच गया पासवर्ड वाला ऑप्शन पे, तो पासवर्ड यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ। सपोज ये मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया, इस केस में देखिए इनवैलिड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जा रहा है। ओके, तो हमने देख लिया कि तीनों केसेस में ये प्रोग्राम आपका कैसे रन कर रहा है। आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने डिक्शनरी क्रिएट की और कैसे हम पासवर्ड को और यूजर नेम को चेक कर रहे हैं ताकि आपका लॉगिन सक्सेसफुल वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो रन हो, और अगर वो गलत यूजर इनपुट करता है, यूजर नेम इनपुट करता है तो इनवैलिड यूजर वाला ऑप्शन आए, और अगर वो गलत पासवर्ड इनपुट करता है तो इनवैलिड पासवर्ड वाला ऑप्शन आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।